उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग यानी कि UKSS SC और विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर कांग्रेस मुखर हो गई है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए भर्ती घोटालों में CBI जांच कराने की मांग की है। रुद्रप्रयाग पहुंचे बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने भर्ती घोटालों को लेकर CBI जांच कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने नंदा नगर घाट में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसके साथ ही उन्होंने तहसील प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा घोटालों का सच लाने के लिए सरकार को सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच करानी चाहिए। वहीं STF सरकार के नियंत्रण में है और बड़े आंकड़ों पर हाथ नहीं डालेगी। महरत कृषि युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 से सभी भर्ती घोटाला मामले की जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाए, साथ ही CBI से निष्पक्ष जाँच की उम्मीद की जा सकती है। चमोली से अजय कृष्णा मेहता की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, 2000 के बाद जितनी भर्तियां हुई है आयोग के माध्यम से या विधानसभाओं के माध्यम से, सबकी जांच कराओ ना, दूध का दूध पर्दे पानी का पानी हो जाएगा। और जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने पिछले दरवाजे से नियुक्तियां किए हैं, हम उनको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये उत्तराखंड की जनता की मांग है। लोगों ने बहुत यहाँ पर कष्ट से, बहुत मेहनतों से लोगों ने उत्तराखंड बनाया, उधर झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड राज बनाएंगे, ये नहीं पता था कि ऐसे बेईमान इस राज्य में पैदा हो जाएंगे। इसलिए इन बेईमानों को अगर जब तक सजा नहीं मिलती है तब तक लोग चैन से बैठने वाले हैं।